ओम शांति। आपका प्रश्न है, कल्कि अवतार या सत्युग का आना अंधविश्वास है? दूसरा प्रश्न है, कलयुग के 3 लाख साल बाकी हैं, सच क्या है? पहला प्रश्न है आपका, कल्कि अवतार या सतयुग का आना। इसमें भी दो बातें अलग अलग है। भक्ति मार्ग के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। उन्होंने कुछ इस प्रकार की आकृति भी बना दी है कि वे कुछ इस प्रकार का होगा। ये अंधविश्वास है, ये आकृति ही हमें बताती है कि ये अंधविश्वास है। क्यों से अंधविश्वास कहा जा रहा है? आज मिसाइल्स का जमाना है। अब इस मिसाइल्स के जमाने में तलवार और धनुष बाण और घोड़ा ऐसा अवतार हो, ये अंधविश्वास। क्योंकि जो चित्र बना दिया जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है कि ऐसा ही कोई अवतार होने वाला है। अब ये चित्र पुरानी पौराणिक कहानियों में बना दिया गया है, उसी को डेवलप कर रहे हैं, आंख बंद करके डेवलप कर रहे हैं। दुनिया भर के चित्र बना बनाकर रोजाना डाल दिया जाता है, कल्कि अवतार हो रहा है, कल्कि अवतार हो रहा है, कल्कि अवतार हो रहा है। ये भटकाना ही है, ये सत्य तो नहीं है ना। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। कल्कि अवतार में बहुत क्लियर माइंड में रखना है, परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे इसे कलंगी धर कहते हैं। कलयुग के अंत में कलंक लगाए गए जिस परमपिता परमात्मा पर, वो आकर कलंक लगाने वालों का भी उद्धार करते हैं। परमात्मा को ये तलवार धनुष ये उठाने की जरूरत नहीं है। यदि उससे भी ये संसारिक साधनों को हाथ लगाना पड़े, फिर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अशरीरी है, अजन्मा है, अयोनि है, अभोक्ता है। वो एक वंडरफुल काम करते हैं, वंडरफुल काम जो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो काम सिर्फ मेरा ही है और कोई कर ही नहीं सकता। सारा संसार जो धीरे धीरे गिरता आ रहा था, पतित होता जा रहा था, तमो प्रधान भ्रष्ट बन चुका था,
उस भ्रष्ट संसार को श्रेष्ठ बनाने का कार्य मेरा है। मेरे ऊपर कलंक लगाए जाते हैं कि तुमने हमारे बच्चों को मारा, हमारे पति को मारा, हमारे परिवार को मारा, हमें बच्चा दिया फिर ले लिया, क्यों दिया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। एक तरफ गाते हैं दुख हरता सुख करता, दूसरी तरफ वो ये समझते जब कह रहे हो कि मैं दुख हरने वाला हूं, फिर मैं दुख देने वाला कैसे हो गया। कहते हो दुख हरता सुख करता और फिर गालियां देते हो, समझते हो कि ना दुख देने वाला है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो तेरी आवे दे करता। अब भगत इस प्रकार से गा रहे हैं। अब जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिनके जीवन में थोड़ा सा दुख आया, उसने तुरंत गालियां निकालना शुरू कर दिया, परमात्मा पर कलंक लगाना शुरू कर दिया, यहां तक कलंक लगाया कि मुझे कण कण में जरे जरे में गुम कर दिया, सर्वव्यापी कर दिया। सर्वव्यापी करके फिर कहते हैं कहां छुपे हो भगवान, दर्शन दो भगवान, दुख हरो भगवान। अरे आपने तो कण कण में जरे जरे में कर दिया, आप किसको ढूंढ रहे हो? अब स्वयं परम पिता परमात्मा आकर समझाते, मैं कलयुग के अंत में आता हूं, जिस पर आपने कलंक लगाए थे, दोष लगाए थे, परंतु उन सब दोषों को एक तरफ भूल तुम सबको कलंगी धर बनाने आया हूं, आज धारी बनाने आया हूं, फिर से मनुष्य से देवता बनाने आया हूं, इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं है। परमात्मा कहते मेरा शरीर ही नहीं है, मैं तो अशरीरी हूं, अजन्मा हूं, अयोनी हूं। ठीक है क्या? नहीं, मेरा शरीर नहीं है, मैं सर्वधर्म मान्य हूं, मुझे सारे संसार के धर्म मानते हैं, परमात्मा वो जिसको सारे संसार के धर्म माने। यदि एक मानता है दूसरा नहीं मानता तो परमात्मा नहीं। हम ध्यान से देख के क्राइस्ट, ब्रह्मा और गुरु नानक जी उंगली ऊपर कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर जी, कृष्ण, राम, ध्यान से देखिए, शंकर, ये शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग उस निराकार अशरीरी अजन्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है। इसलिए सबसे प्राचीन जो 12 शिव के मंदिर है उनको कहा जाता है द्वादश ज्योतिर्। शिवलिंग का पहला नाम है ज्योतिर्लिंग, जो अशरीरी है, जो अजन्मा है, जो हर मंदिर में बनाया जाता है, जिसे मुसलमान भाई भी हज में करने जाते हैं, मक्का में वहां भी रखते हैं गोल काले रंग का एक पत्थर, जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं संग ए अश्वत, और फिर संग ए अश्वत का अर्थ है काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर हजरत अश्वत। खुदा नहीं कहते, हमने शिवलिंग को भगवान मान लिया, परंतु वो शिवलिंग को भगवान नहीं मानते, वो कहते ये परमात्मा का यादगार है, परमात्मा तो ये नहीं है। अमरनाथ में भी शिवलिंग, पशुपतिनाथ में भी शिवलिंग, हर मंदिर में मिलता है शिवलिंग। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं हूं सर्व आत्माओं का पिता, आत्मा का पिता परम आत्मा, शरीर का पिता घर में, शरीर के पिता सबके अलग अलग है,
इसलिए भाई भाई नहीं हो सकते, परंतु सारे यूनिवर्स की आत्माओं का पिता मैं परमात्मा हूं, इसलिए सारे आपस में तुम क्या हो? भाई भाई। मैं आकर तुम सबको क्या बनाता हूं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नरक से स्वर्ग का अधिकारी। ये काम मेरा है, मैं आकर तुम सबको पावन बनाता हूं। चरित्रवान तुम थे, सतयुग में तुम चरित्रवान देवी देवता थे, परंतु आज तुम चरित्रहीन बन गए। आज चारों तरफ चरित्र का बेड़ा गर्क हो गया है, पतित हो गए। आप परम पिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को जगाते, कहते मैं हम है, मैं हूं सारे संसार की आत्माओं का पिता, सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने आया, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए आया, और मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। जब सारी दुनिया तमो प्रधान पतित भ्रष्ट हो जाती है तब आता हूं। मैं सतयुग में नहीं आता हूं, त्रेता में नहीं आता हूं, द्वापर में दूर से साक्षात्कार कराता रहता हूं, भक्तों की भावना का भाड़ा देता रहता हूं, परंतु इस पृथ्वी पर आता हूं लास्ट 100 साल पहले। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सतयुग निश्चित रूप से आता है, किस प्रकार से उसका विधि है, किस प्रकार से वो आता है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर्कल है, सिस्टम है, ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। घड़ी है, 12 बजे फिर 1 बजेगा, फिर 12 बजे फिर 1 बजेगा, फिर 12 बजे फिर 1 बजेगा। नियम है, घड़ी रुक नहीं सकती। मशीन वाली घड़ी रुक जाएगी, परंतु ये संसार की घड़ी नहीं रुक सकती। जैसे हम देखते रहते हैं, देखते देखते दिन हो जाता है, देखते देखते रात हो जाती है, देखते देखते सप्ताह खत्म हो गया, देखते देखते दूसरा सप्ताह खत्म हो गया, तीसरा खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, देखते देखते सब खत्म हो जाता है। अभी साल शुरू होता है, अभी साल खत्म हो जाता है। इसी प्रकार युग भी शुरू होता है और युग भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, दूसरा युग शुरू हो जाता है, तीसरा युग शुरू हो जाता है, चौथा युग शुरू हो जाता है, और कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सतयुग के राजा बनाते, कलंगीधर ताजधारी बनाना। कल्कि अवतार तो नहीं होता, परंतु ये कार्य परमपिता परमात्मा आकर करते। इस कार्य को, उनकी कार्य गति को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग 2000 वीडियोस बने हुए हैं, जो आप सभी भाई बहनों के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके प्रश्न का उत्तर उसमें ना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, सतयुग तो आना ही आना है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये कि कलयुग तो अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है पूछा जाए, कितना पड़ा हुआ है कहेंगे बहुत, 4,32,000 साल का कलयुग है। कितने साल का है? 4,32,000 साल का कलयुग है।
कैसे दिखाते हैं देखो। जो प्रश्न आपने पूछा है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो गया है। शास्त्र कहते हैं, वह तो शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष पड़े हुए हैं। परमात्मा कहते बच्चे देखो, देखो जरा ध्यान से देखो, ये तमो प्रधान दुनिया है, अधर्म का शासन है। जो जितना बड़ा पापी है उतनी ऊंची कुर्सी पर बैठने का अधिकारी है। इतना बड़ा दिखाया है अधर्म, आज सारी पृथ्वी पर अधर्म का शासन है। सारी दुनिया तमो प्रधान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रही है, और उधर शास्त्रों में लिखा गया है कि अभी कलयुग लाखों साल पड़ा हुआ है। विचार करना पड़ेगा, ये सोचना है बैठ करके कि कलयुग कितना पड़ा हुआ है। चारों तरफ इतने बॉम्ब्स और मिसाइल तैयार रखे हुए हैं, कलयुग को तो ऑक्सीजन लगी हुई है, कलयुग तो खत्म होने वाला है। बॉम्ब्स और मिसाइल चले और सारी धरती आग का गोला और खत्म, क्योंकि सृष्टि का चक्र है, कभी रुकने वाला नहीं है। और इधर दिखाया है कि परमात्मा कहते बच्चे मैं आकर ज्ञान सुना रहा हूं, ब्रह्मा कुमारी बहने आपको ज्ञान सुना रही हैं, पर तो तुम एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देते हो। कुंभकर्ण कुछ 6 महीने सोने वाला व्यक्ति नहीं था, जिसके कान कुंभ जैसे हों, गड़े जैसे हों और उसमें छेद हो, जिसमें एक तरफ से कितना डाले जाओ दूसरी तरफ से निकलता है। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कलयुग अब खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। इसको हम देखेंगे कि दुनिया वाले कैसे कहते हैं और बाबा किस प्रकार से हमें समझाते हैं। इधर हमें समझाने का प्रयास किया गया है, कलयुग 1200 वर्ष, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे इसके नीचे वाले चित्र को, कि सतयुग 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250, कलयुग 1250। कलयुग और सतयुग का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम है। इस संगम में 100 वर्ष जाते हैं, 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के, सतयुग के 50 वर्ष और कलयुग के 50 वर्ष मिला के। ये ड्रामा पूरा 5000 साल का है, 5000 साल में ये ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापुर चलता रहता है नॉन स्टॉप। कलयुग के बाद क्या आना है, ऑटोमेटिक सतयुग ने आना है। अब कलयुग के बारे में यहां तो 1250 लिखा है, जबकि शास्त्रों में लिखा है 432000 साल। कैसे ये गलती कहां से हुई, एक दिव्य वर्ष की कल्पना की गई। हमारे शास्त्रों में जिक्र किया गया है देवताओं का वर्ष दिव्य वर्ष होता था, दिव्य वर्ष यहां के एक वर्ष के बराबर एक दिन,
सतयुग का एक दिन यहाँ के एक वर्ष के बराबर होगा। बस उन्होंने गलती कर दी कि एक दिन एक वर्ष के बराबर है, तो एक दिन जो कलयुग का एक दिन है वो इतना दुखदाई है कि वो एक एक साल के बराबर गुजरेगा। वो बात कुछ दिव्य वर्ष की बात अलग थी, अब कलयुग का एक एक दिन इतना दुख देने वाला होगा कि वो एक एक साल के बराबर। तो सुनने वालों ने तुरंत क्या किया कि 1200 को 360 से गुणा कर दिया। 360 से गुणा क्यों किया? साल में तो 365 दिन होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में सोलर सिस्टम के हिसाब से जो कैलेंडर है, ग्रेगेरियन कैलेंडर है, उसमें 365 दिन होते हैं, परंतु जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो सौर से चंद्रमा से चलता है, लूनियर कैलेंडर बोलते हैं उसको, और उसमें 360 दिन होते हैं। इसलिए 1200 को 360 से उन्होंने गुना कर दिया, आ गया 432,000 दिन। कलयुग 432,000 साल का दिन का कलयुग है, परंतु एक दिन एक साल के बराबर है, क्योंकि दुख का समय काटे नहीं कटता, इसलिए एक दिन मान लिया उसे। तो क्या हो गया? एक 432,000 साल का कलयुग, कितना कैसा अंतर, समझ रहे हैं? और उसके बाद द्वापर कितना होगा? बोले उसके 2 से गुना कर दो। त्रेता कितना होगा? उसको 3 से गुना कर दो। एक ने बोला नहीं, यहां हमारी जंत्रियों में मतभेद है, कुछ जंत्रियां कहती हैं 3 से गुना कर दो, कुछ जंत्रियां कहते नहीं, द्वापर की आयु का 2 गुना। सतयुग कितना होना चाहिए? एक ने कहा 432,000 साल को 4 से गुना कर दो, दूसरे का नहीं, जो त्रेता की आयु है उसका दुगुना कर दो। इस प्रकार से कलयुग की आयु लंबी कर दी। सच समय अपनी बुद्धि में लाना है, वो ये है कि काल सारा 5,000 साल का है, हर एक्शन एक्यूरेट टाइम पर होता है, कभी गलती। वास्तव में कलयुग 432,000 साल का नहीं है, अब कलयुग तो खत्म हुआ की हुआ। कलयुग की आयु अब तो बिल्कुल किनारे पर आकर लगा है, अगला पल भी आखिरी हो सकता है। तो मैं समझता हूं आपके जो प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2000 से अधिक प्रश्नों को 7 कैटेगरीज में बांट करके लिखा हुआ है, आप अपने प्रश्न का उत्तर वहां अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूरे वर्ल्ड में किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 921310698।